subscribe now and press the bell icon. Never. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। इस वीडियो में जो आज हम लोग ONGC के शेयर को लेके बात करने वाले हैं, यहाँ पे बोलते थे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है स्टॉक को लेके जो है हम लोगों ने रिसर्च किया है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम लोगों को पता है कि PSU शेयर्स में जो है एक जबरदस्त तेजी हम लोगों को कुछ दिन से बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने रिसर्च किया है, कोशिश करेंगे एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो शेयर किया जाए दोस्तों। और आपने अगर देखा रहेगा, इसके पहले भी जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था ONGC के शेयर को लेके, और लगभग बोल सकते कि ये शेयर का प्राइस 60-65 रुपए के आसपास चल रहा था, तब से हम लोगों ने ये शेयर में खरीदारी करने के लिए बहुत बार जो है अपडेट दिया था। तो दोस्तों अभी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जो एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, KPV स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो दोस्तों ONGC के शेयर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एक जबरदस्त जो हम लोग को गिरावट शेयर में देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महीना पहले जो स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट एक महीना पहले बोल सकते हैं देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में जो है बोल सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक जो है अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है स्टॉक में। और यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस जो है अभी प्राइस भी एक अच्छा खासा ये शेयर में देखने को मिल रहा है। तो अभी ये शेयर में जो इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, फिर देखेंगे तो अभी भी जो है दिग्गजों का मानना है कि ये शेयर में खरीद के चल सकते हैं। तो देखिए ONGC का शेयर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ऐसा शेयर नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाए। ये एक ऐसा शेयर है कि जहां पे अगर देखेंगे 100-150 के पास जाता है, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिलता है, फिर से स्टॉक में जो तेजी आता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो दोस्तों, तो फिलहाल जो है यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं शेयर का जो अगर टेक्निकल भी हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं, तो RSI जो यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे बाई का कॉल दिया जा रहा है, एक दिन के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, और MACD से भी जो यहाँ पे एक बाई का कॉल दिया जा रहा है। हाई वोलेटिलिटी शेयर ही है यहाँ पे इनको मिल रहा है। और तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में देखेंगे आप तो ज्यादातर जो आपको बाई कॉल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस हम लोग देखते हैं कुछ दिन से कि स्टॉक के प्राइस में क्या चल रहा है, तो दोस्तों शेयर के प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ दिन से बोल सकते हैं नया हाई देखने को मिला है। लगभग 3 या 4 दिन का अगर आप सेशन में देखेंगे ये शेयर का 3 या 4 दिन में जो ये स्टॉक में जो एक बोल सकते हैं कि नया हाई बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो है 138.90 पैसे के बाद जो यहाँ पे एक नया हाई बनाया है 140.50 पैसा। फिर ये स्टॉक जो है 142.40 पैसा पहुंचा, 143.47.80 पैसा। और उसके पहले अगर आप यहाँ पे देखते दोस्तों, एक गिरावट शेयर में देखने को मिला था जबकि स्टॉक का प्राइस जो 138.50 पैसा, फिर स्टॉक का प्राइस 137 पहुंचा, उसके बाद 139.50 पैसा पहुंचने के बाद स्टॉक में जो एक फिर से गिरावट देखने को मिला था। और यहाँ पे लगभग अगर देखेंगे तो 3 या 4 दिन से जो ये शेयर एक नया हाई बना रहा है, 3 या 4 दिन का जो ये अगर देखेंगे 140 का जो है इसने ये वो लेवल भी क्रॉस कर लिया है, 142-147 तक पहुंच गया है, अभी 147-80 का जो अभी शेयर चल रहा है। और आज का अगर देखेंगे एक दिन का तो लगभग जो 3.32% का जो ये शेयर में बोल सकते हैं एक तेजी देखने को मिला है, 3.32% के आसपास जो ये शेयर ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बोल सकते हैं कि शेयर में अभी तेजी चल रहा है। और ज्यादातर दिग्गजों का अगर देखते हैं आप ONGC के शेयर को लेके, तो ज्यादातर दिग्गजों का जो है मानना है कि ये शेयर में अभी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ये शेयर को लेकर कुछ अपडेट्स भी आया है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हैं शेयर का जो है, शेयर मार्केट की जो एनालिस्ट है, तो लगभग 81% एनालिस्ट का मानना है शेयर का कि यहाँ पे जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शेयर में आप देख सकते हैं 81% का मानना है कि शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ज्यादातर जैसे कि हम लोग बताया कि ज्यादातर दिग्गज का अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अगर देखेंगे तो ONGC शेयर को लेकर जो है बाय कॉल दिया जा रहा है। तो होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं शेयर में जो है होल्डिंग में क्या चल रहा है पैटर्न का, तो आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स है उनके पास जो है यहाँ पे 60.41% के आसपास स्टेक है। तो प्रोमोटर्स से जो है कुछ भी स्टेक यहाँ पे बोल सकते हैं कि गिरावट देखने को नहीं मिला है। वही अगर देखेंगे म्यूचुअल फंड्स ने जो है उसका स्टेक सितंबर 2021 क्वार्टर में जो अपडेट आया था उसमें देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने जो उसका स्टेक बढ़ा दिया है 6.52% कर दिया, जो कि पहले था 6.03% का। और वही देखेंगे अदर डोमेस्टिक जो है 11.57% स्टेक था और वो जो है कम करके 11.36% कर दिया है। अगर यहाँ पे देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो स्टेक है 8.06% था जून 2021 क्वार्टर में, वो बढ़ा के कर दिया 8.08% का। तो हमें पता है कि अभी जो कुछ महीने से चल रहा था फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है अच्छा खासा स्टेक बेच रहा था, कोई भी शेयर्स का अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो है स्टेक उन लोगों ने बेचा है बहुत सारे शेयर्स में। वही देखेंगे तो ONGC में जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि अच्छा अपडेट देखने को मिल रहा है, जहां पे जो सितंबर 2021 का क्वार्टर का अपडेट है उसमें अगर देखते हैं जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर जो है 8.06% से जो है स्टेक बढ़ा के 8.08% कर दिया है। ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा है, 0.2% के आसपास जो यहाँ पे स्टेक फॉरेन
इन्वेस्टर्स ने बढ़ा दिया है। वही अगर देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल एंड अदर्स का जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जून 2021 में क्वार्टर में, आप देख सकते हैं जो है क्वार्टर 13.93% का स्टेक था, वो कम करके कर दिया है 13.64% का स्टेक। तो यहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टेक अपना कम किया है। तो यहाँ पे एक अपडेट जो आया है ONGC के कंपनी को लेकर, बोलते हैं ONGC को लेकर, अलका मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन टू हेड द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। तो ONGC बोल सकते हैं कंट्रीज का जो एक लार्जेस्ट गैस एंड ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है। और जो बीच में कुछ दिन से अपडेट आ रहा था कि ONGC का जो है CMD के अलावा जो है चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट बोल सकते ONGC में जो है एक जो है वुमेन का अपॉइंटमेंट किया गया है अलका मित्तल का, जो यहाँ पे ONGC को हेड करेंगे। शी रिप्लेसेस शुभम सुभाष कुमार अनदर इंटरिम हेड हु रिटायर्ड आफ्टर रीचिंग जो भी लोका पॉलिसीज है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक अपडेट देखने को मिल रहा है। और इतने एक बड़े कंपनी को जो है पहला ऐसा एक वुमेन को जो है रिक्रूट किया गया या फिर अपॉइंटमेंट किया गया है, तो बहुत ही एक बड़ी जो है बोल सकते हैं ये चीज है ONGC के लिए भी। और ONGC का जो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता है कि ये एक मार्केट लीडर इस इंडस्ट्री में। स्टॉक का प्राइस दोस्तों अभी भी ज्यादा नहीं लगता, अगर आप ये स्टॉक का प्राइस देखते हैं 147 के आसपास ही चल रहा है, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्राइस है जैसे आप कंपनी निका देखते हो ONGC का। तो फिलहाल यहां पे अगर हम लोग खरीदारी करते हैं दोस्तों, तो जो अगर देखेंगे जैसे कि PSU का शेयर है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा टारगेट प्राइस रख के नहीं चलना चाहिए, ऐसा सिर्फ हमारा ओवरव्यू है। यहां पे अगर देखते हैं शेयर में कुछ दिन से क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं जो है यहां पे जो है कंबाइंड वॉल्यूम NSE एंड BSE का कंबाइंड वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं। 3rd जन का अगर देखेंगे तो कंबाइंड वॉल्यूम आप देख सकते हैं शेयर का फॉलिंग इन डिलीवरी का जो शेयर का कम हुआ है परसेंटेज शेयर में जो है लगभग 0.5% के आसपास जो एक दिन पहले शेयर में तेजी देखने को मिला। स्टॉक का प्राइस जो है डिलीवरी जो है शेयर परसेंटेज वो 31.8% के आसपास हुआ था। वही देखेंगे और एक दिन पहले का जो कि अगर यहां पे देखने को मिल रहा है जंप इन डिलीवरी जो है शेयर के डिलीवरी में जो एक जंप देखने को मिला था, स्टॉक के प्राइस में भी जो है 1.4% के आसपास तेजी देखने को मिला था। और यहां पे अगर देखते हैं दोस्तों कुछ दिन से जो चल रहा है, अगर आप यहां पे शेयर के प्राइस का कुछ दिन से एनालाइज करते हैं, कुछ दिन से अगर शेयर के प्राइस का एनालाइज करते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो है यहां पे बहुत ज्यादा खरीदारी हुआ था। फिलहाल जो अगर देखेंगे 3rd जून का जो है, 3rd जन का जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। और स्टॉक के प्राइस में जो है लगभग अगर देखेंगे 2-3 दिन से जो है 1.2% के आसपास तेजी देखने को मिला, फिर यहाँ पे 1.4% के आसपास तेजी देखने को मिला। और स्टॉक का जो डिलीवरी परसेंटेज है 41.4% के आसपास जो है डिलीवरी हुआ ये शेयर का। उसके बाद अगर एक दिन पहले का देखेंगे 0.5% के आसपास जो है स्टॉक के प्राइस में चेंजेस देखने को मिला या फिर बढ़ा है, और यहाँ पे 31.8% के आसपास जो है डिलीवरी हुआ है। तो डिलीवरी शेयर का थोड़ा परसेंटेज में देखेंगे तो कम होता हुआ देखने को मिला है। और अभी जो शेयर में खरीदारी चल रहा है दोस्तों, तो फिलहाल लगता है कि अभी भी ये शेयर से अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो 47 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि यहां से एक मजबूती दिन बनता हुआ दिखे। अगर किसी के पास शेयर है ONGC का या फिर कोई भी शेयर, तो दोस्तों खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले, कोई भी शेयर आप खरीदते हैं बेचते हैं। तो हमारा जो ओवरव्यू हम लोग शेयर के इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो को यहां पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ONGC में क्या चल रहा है, ONGC के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।